फ्रेंड्स वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपके वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं, आप अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हो तो उस पर 5, 10, 15, 20 व्यू ही आता है, उसके बाद उस वीडियो पे व्यू नहीं आता है। तो आपको क्या करना है कि आपके वीडियो पे व्यू सब्सक्राइबर आना स्टार्ट हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो यूट्यूब मुझे कितने व्यू पर कितना पैसा दे रहा है ये मैं आपको हाईलाइट के थ्रू दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या करना है कि आपका वीडियो वायरल हो जाए, ओके। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब आपको स्क्रीन पे एक वीडियो देखने को मिल रहा होगा कि मैं अपने YouTube स्टूडियो में आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे देखने को मिला है, और मैं एक वीडियो को चूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि YouTube कितने व्यू पर कितना पैसा देता है, ओके। तो एक वीडियो को मैंने चूज़ किया है जिसपे 343 व्यू आया है इस वीडियो पे, ओके। तो इस पे YouTube ने मुझे कितना पैसा दिया है, अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगा कि भाई आपको क्या करना है कि आपका वीडियो वायरल हो जाए। तो आपको देखने को मिला फ्रेंड्स कि 343 व्यू इस वीडियो पे आया है, 10 घंटे का वॉच टाइम भी हो गया है, 3 सब्सक्राइबर भी प्लस हो गए हैं, और इस पे YouTube ने मुझे दे दिया 343 व्यू पर ₹19.98 YouTube ने मुझे दे दिया है। आप कह सकते हो ₹20 YouTube ने मुझे दे दिया। आपको देखने को मिला 343 व्यू पर YouTube ने मुझे ₹20 दे दिया, जो मैं आपको कोई भी चीट नहीं कर रहा हूँ, आपको रियल लाइव प्रूफ स्क्रीन पे देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ऐसा YouTube पैसा देता है। अब बात ये आती है कि आपके वीडियो पे व्यू नहीं आते तो आपको क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में फ्रेंड्स, ओके। तो आपको करना ये है कि आप सही तरीके से वीडियो अपलोड नहीं करते, तो आपको अपना सही वे क्या है वीडियो अपलोड करने का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओके। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि आप सभी दो गलतियां करते हो। पहली गलती क्या करते हो कि आप अपना वीडियो तो उससे अपलोड करते हो, यूट्यूब से अपलोड करते हो, वो भी अच्छे से अपलोड नहीं करते हो, ओके। और दूसरी चीज़ आप ये करते हो कि आप यूट्यूब की जितनी सेटिंग होती हैं वो फिल नहीं करते हो। बहुत से नए यूट्यूबर हैं, उनको यूट्यूब की सभी सेटिंग करना पता ही नहीं है, उनके वीडियो की लैंग्वेज क्या है, ओके, उन्होंने उसको फिल ही नहीं कर रखा है, ओके। और भी बहुत सारी सेटिंग है कि कौन सी कंट्री से वीडियो बना रहे हो, वो भी उन्होंने नहीं किए। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, इस रीजन की वजह से आपके वीडियो पे व्यू नहीं आता है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप करते क्या हो कि यूट्यूब पे जाते हो, ओके। यूट्यूब पे जाने के बाद आप अपना वीडियो सिंपल यहीं से अपलोड कर देते हो, ओके। जो आपको नहीं करना है आप यहाँ से भी कर सकते हो, और एक और वे है, एक और रास्ता है, वहाँ से भी आप कर सकते हो कि अपना चैनल, ओके, क्रोम पे लॉगिन करके आप वहाँ से भी अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो, वो काफ़ी रैंक भी करेगा फ्रेंड्स, तो ओके। तो वहाँ से भी आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो। आप क्या करते हो, यहाँ पे जाते हो, ओके, अपलोड वीडियो, और आप यहाँ से अपलोड कर देते हो। यहाँ से भी आपका वीडियो वायरल हो सकता है, बट इससे कहीं ज़्यादा गुना चांस होते हैं कि क्रोम पे आप अपना पहले चैनल को लॉगिन करो, ओके, और उसके बाद आप अपना वीडियो वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है, youtubestudio.com डेस्कटॉप लिख के, ये देखो मैंने सर्च कर दिया, ये कर देना। ये करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको लॉगिन या साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जब आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये कुछ ऐसे ओपन होगा। तो जब तक ये ओपन हो रहा है, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको देखने को मिला कि मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो पर आ चुका हूँ। तो ऐसे आपको लॉगिन कर लेना है, और सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि आपने अपने चैनल की यूट्यूब की सेटिंग को फिल कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग को भाई फिल नहीं किया है, तो उसको आपको कर लेना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। और आप अपना यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हो। ये देखो, आप यहाँ पर जो आपको छोटा सा एरो देखने को मिलेगा, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ओके।
हाँ सॉरी, आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो ये देखने को मिल जाएगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल आएगा, फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ऐसे करके अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो। यहाँ से ये आप फिर से देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, या फिर मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर मैं ये आपको बताता हूँ भाई, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और मैक्सिमम लोग लॉन्ग वीडियो देखना लाइक नहीं करते हैं। अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं इसका भी वीडियो बना के आपको लिंक शेयर कर दूंगा पर्सनली फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सेटिंग अगर आपने फिल नहीं की है तो उसको आपको कर लेना है। ये भी एक रीज़न है कि आपके वीडियो पे व्यू ना आने का, और कंपटीशन भी बहुत चल रहा है तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है फ्रेंड्स को। बहुत सारे नए लोग हैं जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी लोग यूट्यूबर हो गए, सभी अपना वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। ओके, तो कंपटीशन भी भाई हो गया तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे आप आ जाओगे तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे साइड एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको मैं और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना सेटिंग के ऑप्शन पे। जब आप क्लिक कर दोगे तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जो आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपको ये देखने को मिलेगा जनरल चैनल, तो आपको चैनल पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रहा है कि मैंने चैनल पे क्लिक कर दिया है। फिर आपको क्या करना है, आपको बेसिक इन्फो में क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी कंट्री को चूज़ कर लेना है। ओके, यहाँ पर आपको अपनी कंट्री को चूज़ कर लेना है, इंडिया को। आप इंडिया में रहने वाले हो तो इंडिया, पाकिस्तान में पाकिस्तान, नेपाल में नेपाल, तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री को चूज़ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स देखने को मिले हैं जो मैंने लगा रखे हैं, ये आपको लगाना है। ये कैसे लगाना है कि आपके चैनल का जो भी नाम है उसी से रिलेटेड आप कीवर्ड्स लगा सकते हो फ्रेंड्स। ओके, तो मैं लिख देता हूँ आई काल, बस मैं यही लिख देता हूँ। आप जो भी लगा ऐसे करोगे तो कीवर्ड लग जाएगा आपकी। ओके, जो जिस टॉपिक पे वीडियो बनाते हो वो भी लिख सकते हो, और आप अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हो। तो ये करके आपको 5 से कीवर्ड यहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद आपको एडवांसड सेटिंग देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, ऑडियंस देखने को मिल जाता है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डू यू वॉन्ट टू सेट यूअर चैनल एज मेड फॉर किड्स। ओके, तो अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बनाना चाहते हो जो 18 साल से नीचे हैं, तो आपका पेमेंट बहुत ही कम हो जाएगा भाई, बहुत ही कम हो जाएगा, और व्यू भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो पे कर देना है। ओके, नो पे क्या होगा कि 18 साल से जितने भी एज के लोग हैं वो सारे आपका वीडियो देखेंगे, व्यू भी अच्छा आएगा और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो आपको नो पे कर देना है। ओके, ये करने के बाद अब आपको क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक कैप्शंस। ओके, ये देखो आपको देखने को मिल जाता है। इसको इस पर भी आप टिक करना चाहते हो तो टिक कर सकते हो। इसका मीन्स ये होता है कि आपने अपने वीडियो में कोई रॉन्ग वर्ड का यूज़ किया है तो आप इस पर टिक कर सकते हो, और कोई मैटर नहीं होता। अगर आप इसको अनटिक रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, कोई भी मैटर नहीं होता, बट मैंने टिक कर रखा तो आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट्स का फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, इसको भाई डिसेबल ही रखना है, इसको टिक नहीं करना है, अदरवाइज आपके चैनल पर आपके वीडियो पर एड शो नहीं होंगे। ओके, तो आपको इसको ऐसे ही रखना है, इसको ब्लैंक ही रखना है। उसके बाद आपको क्लिप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लिप्स को आपको अलाउ कर देना है कि आपके वीडियो में कोई 5-10 सेकंड का क्लिप्स लेना चाहे ले सकता है। ओके, तो आप इसको अलाउ कर देना यहाँ पे। ओके, टिक कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है कि जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो वहाँ पे शेयर का, लाइक का, डिसलाइक का ऑप्शन आता है, तो वहीं पे क्लिप्स का भी आता है। ओके, तो इससे कोई मैटर नहीं है, इसको आपको ऐसे ही रख देना है। ओके, इसको भी टिक कर देना है। ये जब आप कर दोगे उसके बाद आपको फीचर एलिजिबिलिटी का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, ओके, इसको इनेबल कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, जो आपको कर लेना है। जब इस पर क्लिक करोगे तो आप एक अदर पेज पे पहुँच जाओगे, वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, OTP को सबमिट करना है, फिर बैक आप इस पर आ जाओगे। ये आपको तीनों चीज़ों को इनेबल कर लेना है फ्रेंड्स, ये ईजिली हो जाएगा। ओके, ये करने के बाद अब आपको अपलोड डिफॉल्ट्स पे आ जाना है। यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, टाइटल को ब्लैंक ही रखना है, यहाँ पे कोई भी टाइटल, क्योंकि आपके हर एक वीडियो का टाइटल पहले से ही चेंज होगा। ओके, आप सेम टाइटल का वीडियो नहीं बनाओगे। तो अब फिर आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना चाहते हो वो सब कुछ लिख सकते हो फ्रेंड्स को। ये देखो, ओके, जो भी लिंक देना चाहते हो, जो भी अपने चैनल के बारे में बताना चाहते हो, सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा विजिबिलिटी, ये देखोगे तो इसको आपको अनलिस्टेड ही रखना है। या यहाँ पे आप जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखोगे ये आपके हर एक वीडियो पे लग जाएगा फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में। ओके, यहाँ पे टैग पे अगर आप कुछ देना चाहते हो, ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है टैग्स। ओके, तो यहाँ पे आप दे सकते हो, अदरवाइज जब आप अपना वीडियो अपलोड करोगे तब तो आप
टैक्स लगा सकते होगे। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है एडवांसेड सेटिंग। यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स एंड की मूवमेंट्स। तो भाई इसको आप सिंपल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखने को मिलेगा स्टैंड यूट्यूब लाइसेंस, ओके, तो आपको यही रखना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी, तो आपके वीडियो का चैनल का जो भी कैटेगरी है उसको चूज़ कर लेना यहाँ से करके, ओके, उस कैटेगरी को चूज़ कर लेना। ये करने के बाद अब आपको देखने को मिलेगा वीडियो का लैंग्वेज, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज को भी ऐसे क्लिक करोगे तो बहुत सी लैंग्वेज आ जाएंगी, तो आपको भी अपनी लैंग्वेज को भाई चूज़ कर लेना है कि आपकी जो भी लैंग्वेज हो। ओके, तो मेरी जो है भाई हिंदी है, तो मैंने हिंदी को कर रखा है। आपकी जो भी लैंग्वेज है आप वो कर सकते हो, यहाँ पे चूज़ कर सकते हो वीडियो और टाइटल लैंग्वेज। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्शन सर्टिफिकेशन का ऑप्शन ये देखो देखने को मिल जाता है। तो भाई इसको नन ही रखना है, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको नन ही रखना है। ओके, इसको नन ही रखना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अलाउ ऑल कमेंट्स, तो भाई इसको अलाउ कर देना। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो, डिसेबल करना चाहते हो तो डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो। अगर आप ये सभी अपने व्यूअर को, ऑडियंस को दिखाना चाहते हो कि इस वीडियो को कितने सारे लोगों ने लाइक किया है, तो आप इसको टिक रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा कोई भी ऑडियंस, कोई भी व्यूवर्स ये ना देख पाए कि इस वीडियो को कितने से लोगों ने लाइक किया, तो इसको आप अनटिक रख सकते हो, अदरवाइज आप टिक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, होप है आपको समझ में आ गया, ये सेटिंग आपको करनी है। ओके, और ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। सो ये आपकी सेटिंग अपडेट हो जाएंगी ये करने के बाद। और आप अपना यहाँ से भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। अगर आप ओके यूट्यूब पे जाके वीडियो अपलोड करते थे, तो यहाँ से भी आप 5-10 वीडियो अपना ओके अपलोड करके देखो, शायद हो सकता है आपके वीडियो पे अच्छा खासा व्यू आना स्टार्ट हो जाए। ओके, सो फ्रेंड्स ये वीडियो इतना ही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लुक, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।